चार दिन तक पुलिस अपनी तरफ से खोज करती रही, पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, परंतु कल देर रात को पुलिस को लुधियाना के डेयरी कॉम्प्लेक्स में जहां पे हत्या की वारदात हुई उसे ठीक 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस को शेवरले ऑक्ट्रा कार जो कि बलराज सिंह गिल के द्वारा इस्तेमाल की गई थी कार वो यहां से बरामद हुई है। मौके पर हम इस वक्त मौजूद है, आप देख सकते हैं जिस तरह जो पुलिस बल है वो भी यहाँ पे मौके पर मौजूद है। बड़ी बात यह है कि पुलिस ने चार दिन तक मशक्कत की पर पुलिस को जो क्लूज के नाम पे कुछ नहीं मिला, पर कल रात को जो गाड़ी मिली वो यहाँ पे पुलिस को बरामद हुई है। आप देख सकते हैं शेवरले ऑक्ट्रा गाड़ी जिसकी पुलिस को बहुत ज्यादा तलाश थी क्योंकि इसी से पुलिस आगे उसकी तफ्तीश बढ़ सकती थी, वो गाड़ी रात को डेयरी कॉम्प्लेक्स के लुधियाना के हमरा रोड के बिल्कुल साथ में खड़ी रात को यहाँ पे पाई गई। आप देख सकते हैं कि जो नंबर लिखा है PV10DA इसको बदला गया है, इसके ऊपर एक स्टिकर चिपकाया गया है 6219 का, जबकि इसका ओरिजिनल जो नंबर है 0060 है। रात को ये गाड़ी मिली है, जब सबसे पहले पुलिस को इतला मिली कि यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी हुई है, पुलिस ने इसको ट्रेस करके यहाँ पे स्निफर डॉग्स और डॉग स्क्वाड और जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स हैं उनको यहाँ पे बुलाया, मौके पे यहाँ पे अपनी जो जांच थी वो की गई। इस गाड़ी के अंदर की जो तलाशी लेने के बाद जो जांच की जानी है वो भी बाकी है। चंडीगढ़ से जो फॉरेंसिक साइंस की जो एक टीम है वो थोड़ी देर तक यहाँ पे आएगी, वो गाड़ी के अंदर से जांच करेगी। ठीक थोड़ी देर बाद लुधियाना के फिरोजपुर रोड के ऊपर पुलिस को मोनिका कपिला जिन्होंने इनोवा कार इस्तेमाल की थी वो मिलती है, पुलिस वहां पे जाती है उसके बारे में पता लगाती है। परंतु अगर हम बात करें कि फिंगरप्रिंट्स के आधार पर या कि अंदर उनके कोई सबूत मिले हैं अभी पुलिस वो बताने में नाकाम है। कोशिश इनकी यही है कि ये जो गाड़ियां हैं इनके अंदर जब तक पूरी जो खंगाला नहीं जाता, इनके अंदर की सारी जानकारी नहीं पता लगती तब तक वो कुछ भी नहीं कह पाएगी। पुलिस ने फिलहाल एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जरूर बनाई है जिसमें जो DCP लुधियाना के वो उसका नेतृत्व करेंगे, बहुत सारे जो ऑफिसर थे लुधियाना के उनको बीच में डाला गया। आप देख सकते हैं मौके पर पुलिस मौजूद है। इसके अगर आपको दिखाऊं कि इसके अगर आप टायर्स की तरफ अगर ध्यान से देखें तो टायर्स के अंदर काफी सारा जो डेयरी कॉम्प्लेक्सेस में ऐसे लगता है कि इसको खड़ा किया गया होगा, टायर्स में जो गुहा होता है वो लगा हुआ है। जो चार दिन तक गाड़ी जो खड़ी की गई है डेयरी कॉम्प्लेक्स का ही ये इलाका है और समझा ये जा सकता है कि डेयरी कॉम्प्लेक्स के ही किसी डेयरी में ही इसको खड़ा किया गया होगा। और ये जो दो गाड़ियां मिली हैं पुलिस उम्मीद कर सकती है कि इससे उनको कुछ सुराग मिल सकते हैं, अगर अंदर कुछ खून के ट्रेसेस मिल सकते हैं, कुछ और जानकारियां जब तक गाड़ी खोली जाएगी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। पर ये अहम कुछ उपलब्धि कुछ हद तक पुलिस मान सकती है कि उनको है कि उनको गाड़ियां मिल गई है, बशर्ते ये उन्होंने खुद नहीं ढूंढी, यहाँ पे उनको ये पाई गई है। रुझाना से कैमरा पर्सन जसवीर ब्रांड के साथ गौरव वालिया, DNI News।